First of all, I would like to discuss about this week some highlights. In this week, we have been visited. The first visit and inspection of the site will be started today. Especially all heavy equipment will be inspected by higher management, and after 3 or 4 days, some more special inspection will be conducted of the site by Circle 3 higher management. So please, as usually before, we always doing a good effort. If there is any visit, the same cooperation and coordination we require now. Bye. सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसे हमारे विजिटर आएंगे जो कि हमारे लिए अभी बहुत ही स्पेशल है. हमारी जो कंपनी सबसे फ्री, इनके सबसे बड़े जो मैनेजर हैं वो हमारी साइट पे आएंगे. आके हमारी जो इक्विपमेंट वगैरह है, क्रेन है, बूम ट्रक है, फोकलिफ्ट है, जो भी इक्विपमेंट है उनकी इंस्पेक्शन करेंगे, चेक करने के लिए कि साइट पे हम अपनी जो इक्विपमेंट है उसका क्या प्रोसीजर है, इक्विपमेंट कैसे काम कर रही है, उनको चेक करने के लिए क्या क्या चीजें दरकार है, इक्विपमेंट जो साइट पर यूज हो रही है वो सेफ ही यूज हो रही है कि नहीं. इसका मतलब कि सिर्फ इक्विपमेंट की नहीं, वो हमारी भी इंस्पेक्शन करने आए हैं. जो रेगुलर किसी भी क्रेन के साथ काम कर रहा है ये उसकी भी इंस्पेक्शन होगी, की भी इंस्पेक्शन होगी, उस कंपनी वाले की भी इंस्पेक्शन होगी, उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव एचएससी है उसकी भी इंस्पेक्शन होगी. तो इसका मतलब ये जो इंस्पेक्शन है ये इसका ये मतलब नहीं है कि बस जब इक्विपमेंट है और उसकी इंस्पेक्शन की गो थ्रू ऊपर से नीचे तक ऑपरेटर, रेगुलर, सेफ्टी, सुपरवाइजर, फोरमैन सबके लिए जरूरी है कि वो एहतियात से हर चीज चेक करके फिर उन इक्विपमेंट को स्टार्ट करने जाए आज के दिन और आज से और अभी से आगे से लगातार. फिर उसके बाद वो हमारी साइट का विजिट करेंगे. तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो भी काम आप साइट से करें प्रॉपर पीपी पहन के करें. पीपी जो जो आपको उस जॉब किसी भी काम करने के लिए चाहिए उन पीपी को आप जरूर पहने. किसी भी एरिया को अगर बैरिकेड किया है उसको क्रॉस चेक करें. हो सकता है कि एक जगह बैरिकेड लगी हुई है, कोई उधर काम हो रहा है और आपके साइड गुजरने के लिए बैरिकेड उठाई और नीचे से उस बैरिकेड को क्रॉस किया और निकल गए. हो सकता है कि उसी वक्त जो हमारे विजिटर हैं वो उधर इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उनको पता चलेगा कि ये वर्कर बैरिकेड इसने उठाई नीचे से गुजर गया. ये छोटी सी मिस्टेक है लेकिन उनके माइंड में ये जरूर आएगा कि यार इस प्रोजेक्ट को तो बैरिकेड को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा. इन वर्कर्स को तो पता ही नहीं है कि बैरिकेड की क्या अहमियत है, कि बैरिकेड क्यों की गई है, इसमें बैरिकेड किस लिए की गई है, अगर ये बैरिकेड क्रॉस करके जाएंगे तो उनके लिए क्या खतरा हो सकता है. तो ये सब चीजें गलती सिर्फ एक बंदे की होगी लेकिन उनके माइंड में ये नहीं आएगा कि इस बंदे की मिस्टेक है, लेकिन वो ये जरूर माइंड बना लेंगे कि इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है. तो गलती है बंदे की लेकिन जो समझा सबको उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका जो जिम्मेदार है हम सबको समझा जाएगा. तो इसलिए फिर कोई भी काम साइड पे इंजीनियर में करना है प्रॉपर पीपीज के साथ, किसी भी बैरिकेड को क्रॉस मत करें, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं अगर हाइट पे काम कर रहे हैं प्रॉपर नीचे बैरिकेड लगी हुई है, स्टैंड बाई मैन खड़ा हुआ है, ठीक है, उस बैरिकेड कटर ऑफ आइसोलेटेड एरिया से दूर रहे. दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास अभी 3 यूनिट जो है वो अंडर ऑपरेशन है. हमारे 3 यूनिट है, जो यूनिट 1, 2, 3 वो ऑपरेशन में है, वो चल रहे हैं. अभी चौथा जो यूनिट है बॉयलर 4, SCG 4, पूरा जो चौथा यूनिट है वो भी अभी चलने के करीब है. हो सकता है इसी हफ्ते ये 5-6 दिन बाद हम उसको भी चलाएंगे इंशाल्लाह ताला.
और उसके लिए हम आपने देखा होगा कि हमने अपनी प्रेशर भी स्टार्ट कर दी है। वाले 4 एसटीजी 4 ईएसपी 4 वाला जो एरिया है हमने सारे में बैरिकेड करना शुरू कर दिया है। फेंस वगैरह जो लग रही है साइनेजर वगैरह भी अप्लाई करेंगे। जब इस यूनिट को चलाएंगे वाले 4 की जब आप फर्स्ट फायर करेंगे जब उसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे उसके बाद वहां पे वही सेफ्टी का तरीकेकार फॉलो होगा जो कि अभी यूनिट 1, 2 और 3 में हो रहा है। लोटो परमिट चाहिए होगा। किसी भी बैरिकेड से क्रॉस करके आप नहीं जाएंगे, सिर्फ ओनली जो एक एक्सप्रेस बनी हुई है उधर एंट्री अटेंडेंट बैठा हुआ है उसके पास से गुजरेंगे, अपना नाम एंट्री करेंगे, अपना आईडी उसको दिखाएंगे, वो आपका लोटो परमिट चेक करेगा, अपना सेफ्टी आपको उन्हें डीबीटी देगा, जहां पे काम करने हैं उस जगह के बारे में बताएगा कि जगह ये प्रॉब्लम है, ये हॉट सर्विस लाइन है, इधर ये गैस लाइन है, ये मसला है, जो भी खतरा है उनके बारे में बताएगा, सेफ तरीके से काम कैसे करने उनके बारे में उसके बारे में बताएगा, फिर जाके आप अंदर जाके उस एरिया में काम करोगे। तो ये अभी 4 यूनिट हमारे पास ऐसे हो जाएंगे जो कि उन 4 यूनिट में वो खतरा होगा जो कि आपको नजर नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन एरिया में आपको खतरा नजर आते हैं, लिफ्टिंग हो रही है, क्रेन उधर काम कर रही है, लोड उठा हुआ है, आपको नजर आएगा कि लोड गिर सकता है, होटल हो रहा है, स्पार्क नीचे आ रहे हैं, आपको नजर आएगा कि स्पार्क नीचे आ रहे हैं। ऑपरेशन एरिया में या कमीशनिंग एरिया में हमें नहीं पता होता कि ये जो पाइपलाइन है इसमें अगर स्टीम है, इसमें जो पानी है वो गर्म है ठंडा है, अगर ये लाइन जा रही है इसमें कौन सी गैस है, उसका क्या प्रॉब्लम है, पानी अगर है गर्म है उसका टेम्परेचर कितना है, कहीं से भी आपको हमें नहीं पता होता है कहीं से भी कोई लीकेज हो सकती है। तो इन एरिया में सबसे ज्यादा यही डेंजर है कि हमें खतरा नजर नहीं आते, तो किस चीज पर दारोमदार होते हैं जो कि आपको बताया जाता है। ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाई करती है सुपरविजर लेवल और एचएससी लेवल पे, क्योंकि ये वो आपको खतरात बताएंगे जहां पे आपका काम होगा, उन खतरात के मद्देनजर जो प्रिकॉशन है जो प्रिवेंशन है उसको आपने फॉलो करना है, फिर जाके आप उधर से सही तरीके से काम कर सकते हैं। प्लीज तो फर्स्ट आई टेल अबाउट द वीआईपी विजिट एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ द साइट स्पेशली अबाउट हैवी इक्विपमेंट इन दिस वीक। From today, we are going to start heavy equipment inspection, which will be conducted by our higher management. And after 3 or 4 days, another group of VIP visitors will come, and they will also make safety inspection for the site. Especially in this group, which is coming after 3 or 4 days, this inspection will be specially for the safety. Because there will be a management which belongs to safety. The director of HSCF Subsidiary will come with his team and he will make inspection all over the site. So it means it's very, very important inspection which will be carried out after 3 or 4 days. And from his previous experience, this man who will come after 3 or 4 days, He mostly focuses on the standardized system of the site. He would like to see the isolation of the area as per standard. He would like to know if there is a manhole opening, there is no cover, and the manhole, this area is barricade, but it should be look like good barricade. And there must be one sign, open manhole. There will be some signages. If there is any work at height, the area must be cut off, signages must be provided, and the area must be cut off as per the elevation. It doesn't mean that we are working on 50 meter height, scaffold are working on 50 meter height, only 2 meter radius we will barricade. There is no sense for this barricade. So 50 meter height scaffold work, and we just barricade only 2 meter. There is no sense for this barricade. This is the only example. After I discuss about the unit 4 first fire, maybe the end of this week,
5 or 6 of September. This is not exact, this is expected plan that we will make the first fire of unit 4 and then we will start the steam blowing and then after steam blowing this process will be continue maybe for 1 week and during this time we must have to use earplugs because while there is a steam blowing there will be high noise environment which can affect our noise levels. So the protection to protect our noise level we must have to use earplugs. We already sent message before our brother Mr. Khan. We already shared this information before about the NOTO permit, the NOTO compliance procedure. After first fire we need NOTO permit, valid GFA, supplementary permit, start card, safety briefing and TBT report, everything, especially pre-safety task. Before start the work, we have to give awareness to the people about the hazards which will be existed in the area where they are going to work. In the operation area, the people, the workers especially, they directly respond to us. They will come under rely on only our words. Because in operation area, unit 1, 2, 3, 4, the workers cannot see the hazard. They don't know about the pressure oil lines. They don't know about gas lines. They don't know about the further temperature, anything which is commissioned and operated in this area. So as a HSC or as a supervisor, we must know. And then we do need to explain to the workers. And the key of success for this, we must have to explain the hazard about the location where our people are going to do the work. It doesn't mean that my people are going to do work in unit 2, in boiler 2, 36 meter elevation, but I will explain him about the hazard of what work at height. I will explain him about the hazard what work. There must be explanation of the hazard about the operation and commissioning. So it means how much we are important for our people. So please, we must have to do it. Thank you very much. This was only two things from my side. I would like to Mr. Malik, whatever you want to hear.